हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 46 नंबर की कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट कार्ट्रिज को प्रिंटर में कैसे लगाते हैं तो उसका मैं डेमो देने जा रहा हूँ। जैसा कि अभी मेरे पास है एचपी का इंक जेट एडवांटेज 4729 प्रिंटर का मॉडल है, एरिया में रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस कार्ट्रिज एरिया में रखने के बाद उसको हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये कार्ट्रिज इसमें फिट हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसमें फिट हो गई है। और इसके बाजू में हम कलर कार्टेज को लगाएंगे और इसको पहचान करने के लिए नीचे स्टिकर लगे होते हैं कि लेफ्ट में कलर है या राइट में कलर है, तो इसको स्टिकर के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मैंने कलर कार्टेज को इस कैरेज में रखा है और हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये कार्टेज इसमें फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कार्टेज को लगाते हैं और ये लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको निकालना है तो हल्का सा नीचे पुश करेंगे, पकड़ के बैक खींचेंगे तो वो कार्ट्रिज बाहर आएगी। तो इस तरीके से हम कार्ट्रिज को अपने प्रिंटर में लगाते हैं और हर एक प्रिंटर में कार्ट्रिज लगाने का यही तरीका होता है। और स्टिकर के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये एक दूसरे में नहीं लग सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।